ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश, जीवन बहुत खूबसूरत है और हमें जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। कभी कभी बिना वजह के भी इंसान को मुस्कुरा लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता ज़िंदगी कहाँ से आपके लिए अच्छा मोड़ ले ले। जीवन के रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कौन सा मोड़ आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दे। इसलिए जीवन में कभी निराश ना हो, खुद को उम्मीदों से भरे रखें तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और जो इंसान सपने देखने की उम्र में समझौते करना सीख जाता है, वह अपने जीवन की आधी जंग जीत जाता है। इसलिए कभी जीवन से निराश मत हो और अपने जीवन में आए किसी भी दिन को मत कोसो, क्योंकि अगर अच्छा दिन है तो वो आपको खुशी देकर जाता है, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो वह आपको बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। अगर हीरे की तरह चमकना है तो खुद को घिसना होगा, जितना ज़्यादा घिसोगे उतने ज़्यादा निखरोगे। इसलिए खुद की मेहनत पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। जैसे हज़ारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ को ढूँढ लेता है, इसी तरह हमारे कर्म हमें ढूँढ ही लेते हैं। कभी कभी कोई भी दुख परेशानी आए तो हमारा मन अशांत हो जाता है, लेकिन कोई भी दुख कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जिसका कोई हल नहीं होता। जब ईश्वर हमें दुख या परेशानी देते हैं तो उसका हल भी उसके साथ ही देते हैं, लेकिन अशांत मन से किसी परेशानी का कोई हल नहीं मिलता। इसलिए दुख और परेशानी आए तो उससे घबराएं नहीं, क्योंकि जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो निडर होकर उसका सामना भी करें, क्योंकि जिसने दुख दिया है वही उससे बाहर भी निकालेगा। और कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो बार बार उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसलिए खुद के कर्मों को इतना मजबूत करो कि ईश्वर आपको वो भी दे जो आपके भाग्य में नहीं भी लिखा है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही एक ऐसी है जो बार बार ठोकर खाने से मिलती है। अगर एक सपना टूट गया तो क्या हुआ, दूसरा सपना देखने का हौसला रखो, उसे पूरे करने का जज्बा रखो। तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। और कभी कभी हम ईश्वर से मांगते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हमें ईश्वर से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम उनसे मांगते हैं क्या हम उसको पाने की योग्य हैं, तो उस ईश्वर को भी यह देखना पड़ता है, उन्हें भी तो पात्रता का विचार करना पड़ता है। सोना सच्चा तो है, लेकिन कसौटी पर कितना खरा उतरता है। इसलिए उन्हें भी तो ये जानना होता है कि जो हम उनसे मांगते हैं क्या हम उनको संभालने के योग्य हैं भी या नहीं। अगर हम ईश्वर से जो मांगते हैं वो हमें दे भी दें, अगर हम उसे संभाल ही ना पाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा। इसलिए ईश्वर पहले हमें मजबूत बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, उसके बाद जो आपने मांगा है वह सब आपको ज़रूर मिलेगा। पहले आप खुद को इस काबिल तो बनाइए कि जो आप उस ईश्वर से मांगते हैं आप उसे संभाल कर रखने के योग्य हैं। तो ईश्वर के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वो एक पल में हमें दुनिया जहान की सारी खुशियां दे सकते हैं, लेकिन पहले खुद को इसके लिए तैयार करो, खुद को मजबूत करो। जो आपने भगवान से मांगा है वो आपको ज़रूर देंगे, और बहुत जल्द वो समय आने वाला भी है। लेकिन आप खुद को इस तरह बनाइए कि जब ईश्वर आपको सुख दें तब भी आप उनका शुक्राना करें, और जब कभी कभी दुख आए, परेशानी आए, तब भी उनका शुक्राना करें कि मालिक जो आप कर रहे हो वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हो। तो आप देखोगे कि बहुत जल्द ईश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी रज़ा में रहना सीख जाए। और जो ईश्वर हमारे लिए करते हैं वो हमारी भलाई के लिए होता है, तो उन पर विश्वास बनाए रखें। जो आपने मांगा है वह आपको बहुत जल्द ज़रूर मिलेगा। जितना आपने खोया है उससे भी बेहतर आपके बाबा आपको लौटाएंगे, और बहुत जल्द वो समय आने वाला है।
अपने बाबा पर विश्वास बनाए रखें, सदा उनका नाम जपते रहें, उनका ध्यान करते रहें, तो आप जीवन में सदा सुखी रहेंगे। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।